हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम पाठक ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पे और मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ आज। ओके फ्रेंड्स, तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिल सके क्लास 12th मैथमेटिक्स की। तो फ्रेंड्स देखिए, बाय पार्ट्स में होता क्या है। क्वेश्चन आता है, I इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से इंटू हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल तो लगेगा नहीं। इंटीग्रेशन में ना ही प्रोडक्ट रूल लगता है ना ही क्वोशेंट रूल लगता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये पहले आपको रिद्म याद करनी है, जैसे आप गाना याद करते हो ना वैसे ही ये आपको याद करना है, ठीक है। तो आइए फर्स्ट इसे सेकेंड बोलेंगे। तो याद कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल, ठीक है। दोबारा बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल, ठीक है। ये होल इंटीग्रल है, ये अंदर है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल, ठीक है। अब इसमें ये तो आपने याद कर लिया होगा, चलो ठीक है, याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये क्यों लिखा है, आई लेट, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस ट्रिक का, आई लेट का। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब एलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको नंबर वाइज याद करना पड़ेगा। नंबर वन पे आता है ये, नंबर वन पे आता है लॉग, नंबर थ्री पे आता है एलजेब्रिक, नंबर फोर पे आता है ट्रिगोन, नंबर फाइव पे आता है एक्सपोनेंशियल। क्योंकि ये याद करने के लिए इसलिए मैंने आई लेट लिखा है। आई लेट याद रखोगे तो ये नीचे वाले अपने आप याद हो जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि I इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मैंने जो आपको ये याद करवाया इसका फायदा है क्या, ठीक है। पहली प्रायोरिटी इसे देनी है, सेकंड इसको, मतलब अगर ये दोनों आ जाते हैं साथ में तो इसको देंगे, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो इसको देंगे, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो इसको देंगे, ये दोनों आ जाते हैं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन आया है, e की पावर x इंटू एक्स, e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल, और x क्या है, एलजेब्रिक। तो पहले कौन सा आता है, एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो हम पहले फर्स्ट लिख देंगे एलजेब्रिक के नीचे और एक्सपोनेंशियल के नीचे सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर आपको डाउट है तो क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा से देख लो। फर्स्ट अगर इन ये दोनों आ जाते हैं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी, अगर ये दोनों आ जाते हैं तब भी इसको देंगे, क्योंकि हमने नंबर वाइज दिया इसको, मतलब इन दोनों का ग्रुप आता है तो इसको देंगे, इन दोनों का ग्रुप आता है तो भी इसको देंगे, अगर इन दोनों का आता है तो इसको देंगे, इन दोनों का आता है इसको देंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है ये। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आती नंबरिंग लिखनी है यहाँ पे, कि फर्स्ट पहले कौन सा आता है इन दोनों में से और बाद में कौन सा आता है। पहले कौन सा आता है, एलजेब्रा, ये रहा, फिर एक्सपोनेंशियल, तो सेकंड लिख दिया। अब वही ऊपर वाली रिद्म बोलनी है आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, वन हो जाएगा एक्स का डेरीवेटिव, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल, ठीक है। बहुत ही ईजी बन चुका है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, तो फिर दोबारा करेंगे क्योंकि इसमें आ गया, फिर ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। तो फ्रेंड्स प्लस सी, तो इतना ईजी था ये क्वेश्चन, बस आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, रिद्म एक तो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल, ठीक है फ्रेंड्स। और एक ये आई लेट की फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, कौन सा पहले नंबर पे आता है, कौन सा सेकंड नंबर पे,
फिर नंबरिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं बाय पार्ट्स के। बाय पार्ट्स आपको ऐसा कोई भी नहीं सिखाएगा जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे, रिद्म के साथ एकदम बहुत ही अच्छे से, और आई लेट भी आपको यूज़ करवाया। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है जैसे एक्स इंटू साइन एक्स, तो आप बता सकते हैं कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। एलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। देखिए आप देख सकते हैं ऊपर एलजेब्रा पहले आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो एलजेब्रा को फर्स्ट नंबरिंग देंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। अब वही फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स, याद ही होगा आपको। ओके फ्रेंड्स, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, दोबारा माइनस कोस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस कर दिया फिर डी एक्स, ये हो गया माइनस एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके फ्रेंड्स, बस आपको ये दोनों चीज़ें याद करनी है। मैं बार बार इस पर फोकस क्यों दे रहा हूँ, आपको पता है कि बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है मैंने, कोई भी नहीं बताएगा ऐसी ट्रिक आपको, यूट्यूब पे कोई सी भी वीडियो नहीं मिल सकती आपको इंटीग्रेशन की जैसी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, सबका लॉजिक बता रहा हूँ, हर फॉर्मूला एक एक अच्छे से। तो फ्रेंड्स अब आपको पढ़ना चाहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जो अगर कोई पूछता भी है कि अगर किसी को ये चैप्टर नहीं आ रहा, ट्यूशन में समझ नहीं आ रहा, तो मेरी वीडियो वो देख सकते हैं आराम से, बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्स लॉग एक्स, लॉग पहले आता है या फिर एलजेब्रा, वापस चलते हैं उस पर ट्रिक पे। आई लेट आपको याद हो जाएगा अगर आप बार बार क्वेश्चन करोगे ना, जैसे लॉग पहले आता है उसके बाद एलजेब्रा आता है, तो लॉग को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल, ठीक है। क्या किया मैंने, एक्स का जब डेरिवेटिव किया तो 1/x कर दिया, सॉरी लॉग एक्स का जब डेरिवेटिव किया तो 1/x और एक्स को अंदर लिख दिया। अब आइए x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा 1/x, और x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू और dx, क्योंकि ये वाला लिखा हमने, ये तो इंटू में था, इसका अंदर पहले इंटीग्रल किया फिर पूरे होल का करेंगे। अब ये x से x कट गया, 2 बाहर आ जाएगा, log x एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, x dx। अब x का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, 1/2 एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, प्लस सी बाद में लिखेंगे क्योंकि हम पूरा इंटीग्रेशन अभी कर ही रहे हैं, क्योंकि आई तो एक ही है, अंदर बेशक दो हो गए हैं लेकिन बाहर तो एक ही आई है, इसलिए हमने बाद में सी लिखा है। तो और क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसके क्वेश्चन ना भी करवाऊँ ना तब भी अब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मैंने ट्रिक ही ऐसी बताई है, ये भी आपको सिंपल ही लग रहा होगा। एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, आई लेट ए टी एल ए टी, देखिए आई लेट ए पहले आता है, एलजेब्रा पहले है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो फर्स्ट और सेकंड दे, ठीक है फ्रेंड्स। अब तो आपको आता ही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। अब कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेशन ही करना है। साइन 3x का क्या होता है, माइनस कॉस 3x, और x के साथ क्या है 3, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉस 3x अपॉन में 3 dx, ओके फ्रेंड्स, और ये बाहर आ जाएगा फिर माइनस माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन में 3, और ये प्लस हो जाएगा माइनस बाहर आके,
और 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx। अब कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x अपॉन में 3 प्लस सी। इट्स सिंपल यार, बहुत इजी है ये तो टॉपिक, कर सकते हो अब। अगर मैं क्वेश्चंस भी ना करवाऊँ ना, अब भी कर लोगे अब आप क्वेश्चन। तो इसी बात पे अब होमवर्क भी लिख लो, फिर हम हाई लेवल क्वेश्चंस पे चलते हैं थोड़े, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इतना आएंगे नहीं इजी। तो अब कैसे करना है वो मैं बताऊँगा आपको, डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा हिंट तो आपको मिलना ही चाहिए ना, कि मतलब और भी क्वेश्चंस करने हैं बड़े बड़े, तभी आप अपना माइंड सेट अपना अच्छे से बनाकर क्वेश्चंस करोगे कि हाँ हमें और भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे अभी मिलेंगे, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना है, क्योंकि 12th है भाई, 12th बहुत मायने रखता है हर जगह। ठीक है तो पढ़ो यार, यही टाइम है, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। चाहे आपने अभी तक 12th में 11th में ना पढ़ाओ, 10th में ना पढ़ाओ, 9th में ना पढ़ाओ, लेकिन अब तो पढ़ो यार, कुछ महीने रह गए हैं बस, अगर अभी पढ़ लोगे लाइफ बन जाएगी आप लोगों की। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है, आप कर लेना। तो आइए हाई लेवल क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब आप बोलोगे कि हर क्वेश्चन में अपने आप ही अपनी ट्रिक लगा जा रहे हो, लेकिन मैं सबका लॉजिक भी बता रहा हूँ, अगर उस टाइप का और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी मैं ट्रिक बताऊँगा बहुत ही अच्छी, कि ये क्वेश्चन मैं ट्रिक तो लगा रहा हूँ अभी, लेकिन आपको याद कैसे रहेगी। देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स आ जाता है, कभी भी इनवर्स आ जाएगा ना, तो एक्स को साइन टी पुट कर दो, या फिर अगर टेन इनवर्स एक्स है तो टेन टी पुट कर दो, अगर कॉट इनवर्स एक्स तो एक्स को पुट कर दो कॉट टी। तो ऐसे पुट करना है हमें ऐसे क्वेश्चंस में, अगर इन्वर्स आ जाता तो। ठीक है चलिए तो करते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी ट्रिक तो आपको पता चल गई है, बस ये मत समझना कि एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप से, और भी जैसे टेन इन्वर्स एक्स आ जाए, कॉट इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कुछ भी आ जाए, बस सेम वही ट्रिग्नोमेट्री पुट कर देना आपको, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ साइन टी। अब डेरिवेटिव करेंगे, ये वन हो जाएगा, ये कॉस टी और डी टी बाई डी एक्स, हमें डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे डी एक्स की वैल्यू, पहले एक्स की कर देते हैं साइन टी, और बाहर आ जाएगा कॉस कॉस टी डी टी। अब साइन साइन कट गए, ट्रिग्नोमेट्री तो पड़ी होगी इनवर्स ट्री को, साइन इनवर्स अगर बाहर हो और अंदर साइन हो तो दोनों कट के टी एंगल बच जाता है, और ये कॉस टी और डी टी। अब याद करो ऐसे मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको अभी तक, इसमें अब बाय पार्ट्स लगेगा, जब दो फंक्शन इंटू हो रहे हो और उसका इंटीग्रल करना हो तो हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल इसमें नहीं लगा सकते, ना ही क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, ना ही चेन रूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए तो आई लेट ये एलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो आई लेट में क्या करते हैं हम, पहले एलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले एलजेब्रा फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड, अब वही ट्रिक लगानी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। अब आप सोच रहे होंगे टी टी में क्यों कर दिया भाई, कुछ थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, कंप्लीट कर देता हूँ, देखिए क्लियर कर देता हूँ आपके डाउट को मैं, क्योंकि इधर डी टी है, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कॉस टी, अब टी का डेरिवेटिव किया है हमने टी के रिस्पेक्ट में, इसलिए वन लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जब एक्स का डेरिवेटिव करते थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने किया था एक्स का डेरिवेटिव, तो वन किया था क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ, एक्स का डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो दोनों कट गए वन हो गया, जैसे साइन का करते हो तो साइन ऐसे लिखते हो, अगर आप सही से फॉर्म में लिखोगे तो ये होता है, ऐसे ही जब एक्स का ही कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में ही तो वन हो जाएगा, इसलिए हम इसको वन लिखते हैं। अब कॉस टी का इन क्या होगा साइन टी, और ये साइन टी फिर डी टी, क्योंकि अंदर वाले का तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया और वन से इंटू कर दिया ये आ जाता। अब दोबारा एक और बार इंटीग्रेशन करना है इसका टी के रिस्पेक्ट में, साइन टी
माइनस माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था, अब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वहाँ पे जाकर साइन इनवर्स हो जाएगा, तो बस साइन इनवर्स एक्स इंटू में साइन, फिर टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस, फिर अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये हो गया, अब इसके आगे क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स बचेगा, साइन इनवर्स और साइन कट जाएंगे तो एक्स यहाँ लिख देते हैं, और प्लस, अब देखिए अगर इसको आप यहाँ पे ये ना लिखे और लिख दें कॉस टी को, वन माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं उसका भी लॉजिक बता देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, इतना तो याद ही होगा आपको, टेंथ इलेवेंथ में पढ़ा होगा ये सब आपने। और अगर कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर एक्स है इसलिए यहाँ पे एक्स है, एंगल कुछ भी हो सकता है, कॉस थीटा भी हो सकता है, इजिकल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, जो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है, टी था कॉस टी, तो हमने क्या लिखा, वन माइनस साइन स्क्वायर टी का अंडर रूट में लिख दिया। अब अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये तो एक्स साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन साइन कटेंगे क्योंकि स्क्वायर हम पूरे पूरे का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि देखिए जब साइन स्क्वायर और अंदर साइन इनवर्स एक्स होता है, इसका मतलब क्या है, सॉरी साइन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है इसका मतलब, और साइन साइन कट जाएंगे तो एक्स बचेगा और बाहर होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक क्वेश्चन लिख लो आप होमवर्क के लिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। चलो छोड़ो ये क्वेश्चन, अभी थोड़ा हाई लेवल का दे दिया, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, एक बार करके देखना हो जाए तो, लेकिन आज का होमवर्क है ऐसे हर टाइप का क्वेश्चन करने हैं, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, सारे टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें, थैंक यू फ्रेंड्स।